नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 18 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए देख लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यहाँ पर आपको दो तथ्य दिए गए हैं और पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन है, यह योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को छोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाई गई है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, यहाँ पर बात हो रही है पीएम जनमन योजना की। और आप सभी को पता है कि जो पीएम जनमन योजना है वो विशेष रूप से जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए बनाया गया है, ना कि अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से क्या है, गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन योजना जो है वो 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम पीएम जनमन की बात करें तो काफी सारा डिस्कशन इस पर किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो पीएम जनमन योजना है उसमें जो 9 मंत्रालय हैं वो क्या करेंगे, 11 अलग अलग क्षेत्रों में क्या करेंगे, योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसमें कि सबको घर है, पक्का घर है, हर घर नल योजना है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर हैं। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर दूसरा कथन क्या है, सही है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन सही है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज आया है द हिंदू में, उस पर आधारित ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चिल्लाई कला शब्द से आप क्या समझते हैं। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो बात हो रही यहाँ पर चिल्लाई कला शब्द की। अगर हम चिल्लाई कला की बात करें तो चिल्लाई कला एक फारसी शब्द है, याद रखिएगा। चिल्लाई कला क्या है, एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है बड़ी सर्दी, बड़ी सर्दी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर में दिसंबर 20 दिसंबर से मानकर चलते हैं कि 20 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक जो 40 दिनों का समय होता है, इन 40 दिनों में वहां पर भारी बर्फबारी होती है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो तापमान है वो काफ़ी नीचे गिर जाता है। और इसी 40 दिनों के ऐसे कंडीशन को जहां पर तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है, वहां के लोगों को काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसी 40 दिनों की अवधि को वहां पर क्या बोलते हैं, चिल्लाई कला यानी कि बड़ी सर्दी। तो यहां पर आप देखोगे कश्मीर में शीतलहर चलती है, तापमान काफी नीचे गिर जाता है। यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चिल्लाई कला का जो 40 दिन है जो कि जनवरी लास्ट तक चलता है, उसके बाद छोटा सर्दी जिसका मतलब होता है चिल्लाई खुर्द, यह भी एक पारसी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, छोटी सर्दी। तो 40 दिनों के बाद 20 दिनों की क्या होती है, एक और 20 दिनों का सर्दी का माहौल वहां पर, जिसको क्या बोला जाता है, छोटी सर्दी के नाम से जानते हैं, फारसी में क्या कहते हैं, चिल्लाई खुर्द। और उसके बाद अगला जो 10 दिन होता है जिसमें वो सर्दी का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है यहाँ पर, उसे हम लोग बोलते हैं चिल्लाई बच्चा यानी कि बेबी कोल्ड। तो 40, 20 और 10 है ना, 40 डे का जो दिन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चिल्लाई कला। जो अगला 20 दिन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिल्लाई खुर्द। और जो अगला 10 दिन है उसके बाद का उसको हम बोलते हैं चिल्लाई बच्चा। तो इसके हिसाब से वहां पर जो है सर्दियों का जो दिन है उसको पुकारा जाता है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यह जम्मू कश्मीर में 40 दिनों का सबसे कठोर सर्दियों का अवधि है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज आया, कश्मीर डेज ड्राई विंटर, कश्मीर ड्राई विंटर। यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो 20 दिसंबर से वहां पर चिल्लाई कला शुरू हुआ, उसके बाद से आप देखोगे कि वहां पर बर्फबारी कम हुई है और इसी को लेकर के यहां पर चिंता जताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कितने सही हैं। जो पहला कथन क्या है,
एक अनौपचारिक कॉफी क्लब जिसमें लगभग 40 देश शामिल हैं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि एक G4 कंट्री है। G4 कंट्री में कौन कौन शामिल हैं? भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। इनके द्वारा लगातार यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म्स की बात कही जाती है, यानी कि जो परमानेंट 5 मेंबर हैं उनके अलावा भी कुछ और मेंबर्स को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि G4 नेशन जो कि भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील का ग्रुप है, उसके सामने में जो है एक और कुछ देशों ने अपना ग्रुप बनाया जो इन देशों की सदस्यता का क्या करते हैं, विरोध करते हैं और अपनी दावेदारी को रखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता के लिए। और ये जो देश हैं उनको बुलाता है कॉफी क्लब, जिसमें लगभग 40 सदस्य देश हैं। और इनके कारण ही कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि UNSC में जो रिफॉर्म्स है वो क्या है, अटका पड़ा है, रुका पड़ा है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है कि क्लब के प्रमुख समर्थकों में इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान शामिल हैं। बिल्कुल सही है। अगर हम कॉफी क्लब बनाने वाले देशों की बात करें जिसको इनके द्वारा शुरू किया गया था, उनमें ये देश क्या हैं प्रमुखता से, उनका नाम आता है इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, इटली और स्पेन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए जर्मनी की बोली का विरोध करते हैं, यानी कि उसकी दावेदारी का विरोध करते हैं। पाकिस्तान भारत की दावेदारी का क्या करता है, विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, जैसे मैंने कहा कि जो G4 के देश हैं भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, कॉफी क्लब क्या करता है, इनकी सदस्यता का विरोध करता है। और आप देखोगे कि इटली और स्पेन के द्वारा सुरक्षा परिषद में जर्मनी की दावेदारी का विरोध किया जाता है, पाकिस्तान के द्वारा भारत की दावेदारी का विरोध किया जाता है और वहीं पर जो अर्जेंटीना है वो ब्राजील के दावेदारी का विरोध करता है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी क्या है, पूरी तरीके से सही है। तो तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। तो इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया, हाउ लॉन्ग विल 5 मेंबर ओवरराइड 188 नेशंस इंडिया ऑन UNSC काउंसिल्स। तो यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है कि कब तक जो 5 मेंबर्स होंगे जो हैं, जो जिनको हम बोलते हैं परमानेंट 5, वो जो है अपने वीटो पावर का उपयोग करके जो 188 अदर नेशंस हैं UN में उनके इच्छाओं को कब तक जो है ओवरराइड करते रहेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। आइए आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेरेनगेटी से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेरेनगेटी, यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ आया, अगर हम देखें फिगर्स इसको समझते हैं सेरेनगेटी क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पर सेरेनगेटी नेशनल पार्क, ये पूरा का पूरा एरिया, तो ये रहा तंजानिया, इधर केनिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, अफ्रीका में एक क्या है भूभाग है। और इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह अफ्रीका का एक भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप लोग जरूर मैपिंग में देख करके जाएंगे कि आखिर यह सेरेंगेटी है क्या। और यहाँ पर जो है पूरे का पूरा ये जो पूरा का पूरा मैदान है, जो एरिया है उसमें जो चारागाह है उसमें जेब्रास को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर आया है, जिसके आधार पर ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। यहाँ पर है पहला घटना है रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, और तीसरा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और यहाँ पर जो है कहा गया कि सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर देखा जाए तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931 में। जो क्विट इंडिया मूवमेंट उसकी शुरुआत हुई थी 1942 में, और जो रॉयल इंडियन नेवी की मूटनी हुई थी, विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 1946 में। तो देखा जाए 3-2-1। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते भी हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर UPSC ने पूछे हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज का तथ्य है
भरतनाट्यम। तो अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम आप सभी जानते हैं कि भारत में जो सबसे पुराने नृत्यों के रूपों में से एक है, और यहाँ पर यह कहा जाता है कि यह जो एकल नृत्य है, ये जो नृत्य क्या है, एकल यानी कि अकेले किया जाता है और केवल महिलाओं द्वारा जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है तमिलनाडु के जो हिंदू मंदिर हैं वहाँ पर हुई थी, और अंततः आगे चल करके ये क्या है पूरे के पूरे दक्षिण भारत में क्या हुआ, इसका विकास हुआ। तो भरतनाट्यम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोग न्यूज़ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें भरतनाट्यम की, तो इसका जो निर्माण है भरतनाट्यम, वो कहा जाता है कि दो शब्दों से हुआ, एक है भरत और दूसरा क्या है नाट्यम। यहाँ पर जो नाट्यम जो शब्द है आप सभी जानते हैं कि एक संस्कृत शब्द है जिसका नाम इसका अर्थ क्या होता है नृत्य, और यहाँ पर जो भरत शब्द है उसमें वो मिलकर के बना है तीन अक्षरों से भा रा ता। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भा है वो भाव को बतलाता है, जो रा है वो राग का पर्यायवाची है, और जो ता है वो ताल को डिनोट करता है। तो आप देखोगे कुछ बेसिक जानकारियां मैंने यहाँ पर दे दी हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको जरूर रिवाइज करके एग्जाम में जाना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। क्वेश्चंस को आप लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे, उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जो न्यूज़ है उस पर भी एक नज़र आप लोग जरूर डाल लेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।